स्टूडेंट्स टू IIT सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्रियात्मक शोध जो होता है हम उसको क्यों अपनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी क्रियात्मक शोध को अपनाने की, इसका जो संबंध होता है वो किसके साथ संबंध होता है, समस्या से। समस्याएं हर जगह हैं और हर समस्या का इलाज भी होता है। तो देखिए समस्या को ध्यान में रखते हुए ही क्रियात्मक शोध का एक ध्येय वाक्य है। ठीक है, ध्येय वाक्य है, समस्या हमारी है, और समाधान भी हमारा है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्लोगन है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस ध्येय वाक्य का संबंध किसके साथ है, तो हम बोलेंगे क्रियात्मक शोध के साथ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो काम के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, हमारे पास होती है एम्प्लॉयज की कमी, ठीक है, टाइम, कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें क्या होती है, हमको काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबके लिए क्या होता है, इन सबको में सुधार के लिए क्या होता है, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये एम्प्लॉयज की कमी, टाइम कॉस्ट और रॉ मटेरियल, ठीक है, और इवन एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह को, ये जो आपका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो इन सब को मैनेज करता है। ठीक है, एक स्तर पे मैनेज करता है। अब देखिए यही अगर हम बात कर लें कि अगर हमें स्कूल के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो किस टाइप की कमियां हमें दिखाई दे सकती हैं और उनको हमको क्रियात्मक शोध के द्वारा हम कैसे उन कमियों का निदान करेंगे, ये सब हमको देखना होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो स्कूल में आपका क्या हो सकता है, शिक्षकों की संख्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्रों की रुचि, और स्पोर्ट्स। तो समस्याएं तो और भी हैं लेकिन
मैं इन सब समस्याओं का डिस्कशन कर रहा हूं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल है, एक स्कूल की बात अगर हम करें तो एक स्कूल में ये आपकी शिक्षकों की संख्या, मान लीजिए कि क्लास नंबर ऑफ क्लासरूम्स बहुत ज्यादा है और स्कूल में टीचर्स अवेलेबल कम है, ठीक है, स्कूल में टीचर्स अवेलेबल कम है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा एक मैनेजमेंट तैयार करेंगे, कि हम कम शिक्षकों के होते हुए भी हम हर क्लासरूम में एक टीचर को, प्रत्येक टीचर को हम क्या करें, पहुंचा सके। तो ये आपका एक फैक्टर हो सकता है। तो इसमें हम कम शिक्षकों के रहते हुए भी हमें अपना मैनेजमेंट इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई क्लासरूम खाली ना रहे और हर क्लासरूम में टाइम से पढ़ाई हो सके। तो ये हमें उसके अंतर्गत करना होगा। अब देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होते हैं स्कूल में, कल्चरल फेस्टिवल वगैरह होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं तो वहां पर उस स्कूल में राजनाथ सिंह भी एज अ गेस्ट आ चुके हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ही सजावट वगैरह के काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और बच्चे उसमें सजावट के कार्यक्रम वगैरह के लिए रुचि में भाग ना ले, ठीक है। मान लीजिए कि भाई स्कूल में सजावट लेवल का काम है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में गुब्बारे लगाने हैं, फूल लगाने हैं, ठीक है, स्टेज है, जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है उसको सजाना है, वहां पर क्या है कि हमें मतलब वो क्या है कि व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो सब हमें उसमें डालना होता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। अब मान लीजिए कि भाई छात्र अगर इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे, मतलब जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्कूल का जो माहौल होता है, हमें माहौल इस तरीके से मेंटेन करके रखना होता है कि जो छात्र होते हैं वो हर गतिविधि में क्या करें, रुचि ले सकें। आप देखिए, ठीक है, अब यही छात्रों की जो रुचि है, ये आपका इसी के साथ आपका हो गया है, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उन्हीं में क्या करेंगे, छात्र जो है वो रुचि दिखाएंगे, ठीक है। छात्रों की जो रुचि होती है वो आपकी आपकी पढ़ाई संबंधित भी हो सकती है। मान लीजिए छात्रों के साथ समस्या है कि उनका अशुद्ध उच्चारण होता है, अशुद्ध उच्चारण के थ्रू वो पढ़ते हैं, घर में जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने अपने बेटे का स्कूल का जो होमवर्क है उसको कराने में मदद कर सकें। तो ये सब भी समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, ये सब समस्याओं का समाधान भी शिक्षकों के द्वारा ही होता है। स्कूल के शिक्षक का ही एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इन सब समस्याओं का भी समाधान वो करें, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या हो सकता है कि देखिए, कि छात्रों की जो रुचि है वो खेल में बहुत ज्यादा है, लेकिन खेल का समान नहीं है, ठीक है, समान इसमें नहीं है। अब देखिए, खेल के समानों में क्या हो सकता है, ये आपका चेस हो गया, ठीक है, चेस बोर्ड। मान लीजिए छात्रों को चेस बहुत अच्छा लगता है, चेस खेलना चाहते हैं छात्र, लेकिन स्कूल में क्या है कि बहुत कम संख्या में चेस बोर्ड अवेलेबल है, तो वो चेस नहीं खेल सकते। तो चेस खेल सकते हैं लेकिन सबको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब क्रिकेट में बात करेंगे तो देखिए, क्रिकेट में क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता हो सकती है, बैट्स, बॉल, विकेट कीपरिंग ग्लव्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमको होती है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि भाई स्कूल इतना स्टैंडर्ड है कि भाई वहां पर जो क्रिकेट होता है वो लेदर की बॉल से क्रिकेट होता है, वो जींस वाली बॉल से, वो जो कॉस्को की जो हरी वाली लाल वाली होती है, मैं नहीं मान के चल रहा हूं कि उससे क्रिकेट होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि एक प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट होता है
और वो लेदर की बॉल से खेला जाता है, जैसे जिसमें भाई सचिन गांगुली लोग खेला करते थे, इस टाइप का ही क्रिकेट होता है, इतना ही प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट वहां पर भी होता है स्कूल में। तो ये सब की रिक्वायरमेंट होगी, ये अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो इन सब सामानों की आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लीजिए कि ये आप ये सब सामान आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये समस्या होगी ना। अगर अगर ये सब सामान अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो समस्या होगी। तो समस्याओं, इन सारी समस्याओं का जो निदान होता है वो क्रियात्मक शोध के ही अंतर्गत किया जाता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, क्रियात्मक शोध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। अब देखिए, क्रियात्मक शोध की कुछ परिभाषाएं भी हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है, तो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं गुड के अनुसार। तो गुड के अनुसार, शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला प्रयास ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब जो देखिए हमारे पास परिभाषा है वो स्टीफन एम कोरे के अनुसार परिभाषा है। तो देखिए ये परिभाषा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। मतलब इसमें जो एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए वो बिल्कुल श्योर होता है, ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट और उसको रिप्रेजेंट करने की उसके पास क्षमता होती है, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, ठीक है, उद्देश्यों को रिप्रेजेंट वो कर सकता है। तो अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है, और एक प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार करने के लिए क्या करता है, क्रियात्मक शोध करता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व, तो ये देखिए हमको देखना है यहां पर। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व इस बात में है कि स्थानीय एवं तत्कालिक समस्या का तुरंत समाधान कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में सहायता देता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी समस्या होती है उसका तुरंत समाधान किया जाता है, और जब समस्या समाधान हो जाता है तो क्या होता है, छात्रों को एक अंदर से एक खुशी मिलती है और एक शैक्षिक वातावरण डेवलप होता है, एक शैक्षिक वातावरण क्लासरूम में बनता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा लोग कम समय में अपनी समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, क्रियात्मक शोध को अपनाने की वजह से क्या होता है कि छात्रों को जो भी समस्याएं होती हैं उनका जो इलाज होता है वो जल्दी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सही समाधान खोज सके। तो देखिए, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला हर एक शिक्षक और जो मैनेजमेंट संबंधित होता है उसको अपनी समस्या का सही समाधान खोजना आना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है, शिक्षण विधि में उचित परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण विधि में क्या करना चाहिए, एक उचित परिवर्तन हम एक ला सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं तो वो डे बाय डे अपनी टीचिंग स्कूल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो टीचिंग स्कूल स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी क्या मदद, कौन मदद करता है, क्रियात्मक शोध ही मदद करता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाने के जो तौर तरीके होते हैं उनमें निरंतर
समय के साथ साथ बदलाव उनमें जरूरी होता है। अब जैसे क्या था कि भाई पहले एक जमाना था कि भाई ब्लैक बोर्ड में क्लास हुआ करती थी, अब ब्लैक बोर्ड जो है वो पुराना हो गया है। ब्लैक बोर्ड के बाद आ गया ग्रीन बोर्ड, तो ग्रीन बोर्ड में भी क्या करा जाता है कि चौक से ही पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड में भी चौक से पढ़ाया जाता है, ग्रीन बोर्ड में भी चौक से ही पढ़ाया जाता है। और अब आगे उसके बाद आ गया है था व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड में मार्कर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड है और इसमें मैं मार्कर से आप लोग की क्लास लेता हूं। और अब लेकिन आ चुका है मार्केट में अब स्मार्ट बोर्ड भी आ चुका है। तो स्मार्ट बोर्ड में जब पढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि एक स्क्रीन की तरह पर्दा जैसा होता है और उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर लाइट पेन होता है और इसके बॉटम में क्या होते हैं तीन चार टाइप के कलर्स होते हैं। तो उससे क्या है कि जब भी हमको पेन का कलर चेंज करना होता है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, उस पर उस पेन को दबा देंगे, पेन से हम उस बटन को दबा देंगे जिस कलर को का हमें चाहिए और उस कलर से वो लिखना चालू कर देगा। तो ये स्मार्ट बोर्ड आ गया है। तो इससे क्या होता है कि जब शिक्षक अपनी रणनीति में बदलाव करता है तो क्या होता है छात्रों के अंदर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई देता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है कम समय में उचित समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। ये सही है, कम समय में समस्याओं को शीघ्रता और सरलता के साथ सुलझाया जा सकता है। छठा पॉइंट है हमारा शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का हल खोजा जा सके। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो भी डेली लाइफ की जो समस्याएं होती हैं उनका भी हल जो होता है वो इसी के माध्यम से खोजा जा सकता है। शिक्षा में व्यवहारिकता लाई जा सके। ठीक है, तो शिक्षण में व्यवहारिकता भी किसके क्रियात्मक शोध के माध्यम से लाई जा सकती है। ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास। इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।